Assalamu alaikum viewers, today I will teach you how can you approve your Google non-hosted AdSense account. So in this video I will teach you how can you approve your non-hosted Google AdSense account on any country. So सबसे पहले आपको एक .com domain चाहिए होगा. .com domain आप कहाँ से buy कर सकते हैं? .com domain आप $1 का GoDaddy से ले सकते हैं या Namecheap से ले सकते हैं. आपको new account में $1 का पड़ जाएगा. आपने $1 का account लेने के बाद मैं आपको इधर लिख कर बताते रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहेगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी. तो मैं इधर आपको लिख कर बताऊँगा और करूँगा भी ताकि आपको पता चल सके क्या हो क्या रहा है. सो one.com domain आ गया आपका. एक ओल्ड ब्लॉगर ब्लॉग, उसके बाद इसमें 20+ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कैसे डालने वो मैं आपको बताऊंगा. एक आपको ब्लॉग में दिखा दूंगा आर्टिकल कहाँ से लेने किस तरह डालने वो मैं आपको बता दूंगा. फुल सेटअप नहीं करूंगा ब्लॉग, सिंपल है आपको .com डोमेन कैसे अटैच करते हैं. सो आपने अब इधर मेन्यू सेटिंग फोर पेजेस, उसमें आपका प्राइवेसी आ जाता है, पॉलिसी का पेज आ जाता है, इसमें अबाउट अस का आ जाता है, कॉन्टेक्ट अस का आ जाता है. ये चार पेजेस आपने ऐड करने हैं. उसके बाद आपने इसमें सोशल शेयरिंग करनी है, सोशल शेयर करने या आपने बैकलिंक्स क्रिएट करना. उसके बाद आपने इसको गूगल वेब मास्टर में इंडेक्स करना है. सो मैं अब एक ब्लॉगर ओपन करता हूँ जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है. सो सिंपल आपने ब्लॉगर पर आ जाना है. मैं आपको जरा ओपन करता हूँ. अपने ब्लॉगर में आना, blogger.com पर आना है. blogger.com पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लॉग ओपन हो जाएगा. सो जब ब्लॉग ओपन हो जाए तो आपने ये व्यू ब्लॉग करके दिखा देता हूँ जिस पर मैंने अप्लाई किया. ये एक्सपायर डोमेन मैंने बाय किया है Namecheap से और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी थीम डाली है. कौन सी थीम है वो थीम्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. वायरल में एक और एक सिंपल सी सोरा टेम्पलेट है, सोरा फ्रंट. ये दो हैंगी जो कि फास्ट लोडिंग थीम्स हैंगी. अब आप चेक कर सकते हैं फोर पेजेस मैंने ऐड किए, प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ यूज कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस और यहाँ मैंने मेन्यू सेटिंग की हुई है सही. और यहाँ पर 32+ पोस्ट की हुई है मैंने और इसको अप्लाई किया. अब आपने पोस्ट लेनी कहाँ से? सबसे पहले आपने spinboard.com ओपन करना है. अगर आप जैसे कि एक वेबसाइट आपने ओपन करी और आप आर्टिकल लेना चाह रहे हैं तो आपने एक इमेज इसको पहले इमेज इसको आपने डाउनलोड करनी है और पूरा आर्टिकल आपने यहाँ से कॉपी करना है. लेट्स अज्यूम आपने यहाँ तक की कॉपी कर लिया एक आर्टिकल. आर्टिकल कॉपी करने के बाद आपने इंटर इधर टेक्स्ट डालना है और हर आपने 20 मरतबा आपने यही करना है और आपके 20 आर्टिकल्स आ जाएंगे. विथ हेडिंग आपने करना है, इसकी इमेज को आपने एक्स लार्ज करना है और आपने कर देना है. और यहाँ पर आप गो करेंगे आपका आर्टिकल स्पिन हो जाएगा, मतलब 100% यूनिक हो जाएगा. अब आपने उसको कैसे चेक करना है? आप प्लैगरिज्म चेकर पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. तो बहुत से आपकी आप चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट यूनिक है और कितना परसेंट ये कॉपी पेस्ट हुआ है. सो एक ये तरीका भी है आर्टिकल लेने का. दूसरा कि मुख्तलिफ आप पैराग्राफ उठा सकते हैं और उनको आप स्पिन करके मुख्तलिफ पैराग्राफ को उठा कर उसको स्पिन करके आप एक फुल आर्टिकल बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ. पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और चेक करता हूँ या चेक ग्रामर भी कर सकते हैं आप. सो मैं आपको बता दूँ ये री स्पिन हो रहा है तो सेकंड मरतबा स्पिन होगा तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आप चेक करिएगा. सो कोशिश करें जितनी ओल्ड साइट हो उतनी ही
उसका आर्टिकल आप कॉपी पेस्ट करें ताकि आपको पता चल सके कि जितनी ओल्ड साइट होगी उसका जो कंटेंट होगा उतना ही यूनिक होगा। यूनिक से मुराद कि ओल्ड होगा, जिस ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ होगा, और आप उसको स्पिन कर लें और स्पिन करने के बाद अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दें। अब आप मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, इसमें एक लोगो है, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस के पेजेस है, मेन्यू सेट किए हुए मैंने, 32 आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं इसकी। कैटेगरीज के अलावा मैंने सोशल आइकन्स में लगाए हैं, इस जस्ट ब्लॉगर एक ब्लॉगर ब्लॉग हैगा, इसमें .com लगा के मैंने इसको वेबसाइट बना दिया। अब ये क्रिएटेड बाय थीम एक्सपोज से मैंने थीम उठाई है और यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर लिया। सो आप चेक कर सकते हैं, ऐसी बहुत से ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। सो इसमें सिंपल सा मेथड है, आप इसका स्टेट दे सकते हैं, इसमें कुछ भी क्या कहते हैं इसका, इसमें रैंकिंग नहीं है, कुछ इसके जो रेफर हो रहे हैं और इसमें रेफरेंस साइड मुख्तलिफ हो रहे हैं। सो ये थी कुछ हेल्पफुल वीडियो जो आजकल आपके क्रोम गूगल नॉन असिस्टेड एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे हैं। इट्स अ लीगल वे टू अप्रूव योर गूगल नॉन असिस्टेड एडसेंस अकाउंट फॉर फ्री। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और आपको किसके मुतालिक वीडियो देखनी है, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।